दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे, अगर आप अपने फ़ोन में टाइम पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, अपने स्क्रीन लॉक में अपना टाइम पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप कैसे सेट करेंगे। जैसे कि आपका जितना टाइम होगा, जैसे 11:01 हुआ है तो यही हमारा लॉक स्क्रीन का टाइम पासवर्ड रहेगा। तो आप कैसे अपने लॉक स्क्रीन पर अपना टाइम पासवर्ड सेट करेंगे, और जैसे आपका टाइम चेंज हो जाएगा आपका पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। तो अपने लॉक स्क्रीन पर टाइम पासकोड कैसे लगाते हैं, इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, ये एप्लीकेशन है स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड। इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे, और जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम आपके सामने इस तरह का ये एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरह से ये एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इनेबल लॉक, और इस सेटिंग को आपको यहाँ पर इनेबल करना होगा। जैसे आप इस सेटिंग को इनेबल करेंगे यहाँ पर आपको अलाउ करना होगा, और अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ परमिशन अलाउ करना पड़ेगा। तो जैसे हम नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद जहाँ पर भी आपका एप्लीकेशन होगा वहाँ पर आप उसे परमिशन दे देंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर नीचे आते हैं और ये एप्लीकेशन है, तो हम यहाँ पर इसे परमिशन देंगे और यहाँ से हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद फिर से आपको इस पर क्लिक करना है और इस सेटिंग को आपको इनेबल कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पर इनेबल करेंगे, अब यहाँ पर आपको एक अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, यानी कि आप अगर अपना टाइम पासवर्ड भूल जाते हैं या आप कोई और भी पासवर्ड सेट करेंगे और वो भूल जाएंगे तो आपको यही डालना होगा। तो आप इस पर क्लिक करके जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिस क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम अपना नेम डाल देते हैं, यानी कि उसका आंसर दे देते हैं, आप भी अपना आंसर दे देंगे, और उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब ये सेटिंग आपका यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा करंट टाइप, और यहाँ पर मिल जाएगा चेंज सिक्योरिटी टाइप। सबसे पहले आपको करंट टाइप पर क्लिक करना होगा, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको चेंज सिक्योरिटी टाइप पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आ जाएगा करंट टाइम। आप यहाँ पर अपना करंट टाइम सेट करेंगे, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा करंट टाइम आपका सेट हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक वाइब्रेशन का और एक साउंड का। अगर आप अपने लॉक स्क्रीन को ओपन करेंगे तो आपका साउंड भी सुनाई देगा और वाइब्रेट भी करेगा। अगर आप चाहते हैं ये कुछ भी ना हो तो आप इसे यहाँ पर डिसेबल करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर इसे डिसेबल करते हैं, अब अपने मोबाइल फोन के होम स्क्रीन पर आएंगे और अपना मोबाइल फोन यहाँ पर लॉक करेंगे, को अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने के बाद देखते हैं कि हमारा लॉक सेट हुआ है या नहीं। तो यहाँ से हम अपना सबसे पहले मोबाइल का पैटर्न डालेंगे। पैटर्न डालने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका वो लॉक सेट हो चुका है। अब 11:05 हुए हैं तो आप यही लॉक डालेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर इस लंक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें डालने का ऑप्शन आ जाएगा, तो 11:05 तो मैंने 1:05 डाल दिया है और हमारा लॉक यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन के अंदर टाइम पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स और फुल स्टेप बाई बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।